बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को नमस्ते, ग्यारों को सलाम। मैं अमित बंसल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज आपके लिए एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, जो कि विकासपुरी में 200 गज की प्रॉपर्टी है एंड ये 3 BHK प्रॉपर्टी है, जिसमें साथ में 3 अटैच वॉशरूम का प्रोविजन दिया गया है। ये 3 BHK प्रॉपर्टी है, ये नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है, स्टिल्ट पार्किंग एंड लिफ्ट वाली प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें तो इसमें तीनों ही बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम दिए गए हैं एंड जो सी किचन है वो बहुत ही खुली किचन है, यू शेप किचन दी गई है एंड इसकी जो लॉबी है ना वो इसका मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है। बहुत खुली लॉबी दी गई है, एंट्रेंस करते सामने से लॉबी आती है। तो चलिए वक्त खराब किए बिना हम इसके साइड टूर पर चलते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे की गई है और कहाँ पे क्या चीज़ दी गई है। तो चलिए चलते हैं आपके ड्रीम होम टूर पे। जैसा आप ये देख पा रहे हैं ऑलरेडी, ये इसकी लॉबी है, ये बहुत ही खुली लॉबी दी गई है। यहाँ पे इस एरिया के सामने इन्होंने टीवी कैबिनेट दिया है। जो कैबिनेट है आप इसके सामने अपनी पूरी सेटिंग बना सकते हैं, आपके ड्राइंग रूम की जो पूरी सेटिंग होती है आप यहाँ पे बना सकते हैं। एंड ये जो एरिया है यहाँ पे इन्होंने दिया गया है, यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। तो मतलब कि जो एरिया है इसका स्पेस यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। इसकी लॉबी जो है ना बहुत सही लॉबी है। एंड जो इसका एक और खास जो इसकी मेरे को चीज़ अच्छी लगी है वो है इसकी UPVC डोर का जो इन्होंने बालकनी में प्रोविजन दिया है, बहुत ही खुला। मतलब कि दिन के उजाले के टाइम में ना आपको अंदर घर में लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फुल रोशनी अंदर घर में आती है। तो चलिए मैं आपको एक बार बालकनी का व्यू दिखाता हूँ UPVC डोर के। बड़ी बालकोनी है एंड यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग एरिया का प्रोविजन दिया है। ये जो है ना ये वॉशिंग एरिया का प्रोविजन है, ये बहुत ही सही जगह दी गई है। मतलब ओपन में जो भी बंदा इसको यूज़ करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो एक और ख़ास बात है ना यहाँ की, वो मैंने आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि जो बालकोनी की जो प्रोविजन है ना ये ड्राॅइंग रूम के साथ साथ ना बगल वाले बेडरूम से भी दी गई है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम अभी बेडरूम में जा रहे हैं, बगल वाले बेडरूम में इसी बालकनी के थ्रू। आइए देखिए, ये जो है यहाँ का एक और बेडरूम है एंड ये जो बेडरूम है आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा खुला एक बड़ा चौड़ा बेडरूम है। इसके अंदर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो है इनर स्टोरेज है, यहाँ के जो वार्डरोब है ये देखिए आप, ये वार्डरोब देख सकते हैं आप यहाँ की। तो मतलब ये इतनी वार्डरोब इनफ होती है एक बेडरूम के लिए, इतना वार्डरोब इनफ होता है। तो ये वार्डरोब यहाँ बहुत अच्छी दी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी दी है। यहाँ इन्होंने ज़्यादा कलरों में नहीं खेला है, जो यहाँ की जो वुडन का जो कलर है, जो वुडन फर्नीचर का हो जाए या फिर ये वार्डरोब का कलर हो जाए, कैबिनेट से कलर हो जाए एंड आपका जो वॉल पेंटिंग है या फिर फ्लोरिंग है, ये सारे कलर्स जो है ना आपस में अच्छे खासे तरीके से ब्लेंड हो रहे हैं, यानी मिसमैच बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो ये जो एक मेन पॉइंट होता है ना कि कलर अच्छे से मिले, तो वो अच्छे से यहाँ पे ध्यान दिया गया है एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं, सूदिंग कॉम्बिनेशन है। चलिए मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका वॉशरूम है यहाँ का। वॉशरूम का जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है ना वो ये है, एक तो इन्होंने यहाँ पे ना ग्लास पार्टीशन का इन्क्लोजर दिया है जो कि हर जगह पे नहीं देखने को मिलता है। एंड सेकेंडरी चीज़ जो है ना यहाँ पे ये बॉडी जेट दिया गया है, जैगुआर का बॉडी जेट, ये यूजुअली आपको हर जगह नहीं मिलता है, वो चीज़ आपको इस प्रॉपर्टी में दी गई है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम किचन की तरफ। यहाँ के गेट के थ्रू अब हम लॉबी में एंट्री करेंगे, उसी लॉबी के थ्रू हम किचन में जाएंगे। आइए चलिए चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं किचन में। किचन की जो खास बात मुझे अच्छी लगी वो ये है, यहाँ पे चिमनी भी दे रहे हैं किचन में, यूजुअली हर जगह नहीं मिलती है। बिल्डर दोस्त ने यहाँ पे इन्होंने किचन भी लगाई, चिमनी भी लगाई हुई है एंड एक एग्जॉस्ट फैन भी दिया गया है यहाँ पे। शाफ्ट के साथ इन्होंने एग्जॉस्ट फैन दिया है, जो कि मेरे को सेकेंड अट्रैक्टिव पॉइंट लगा यहाँ किचन का, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन भी नहीं देते हैं। कई लोग सिर्फ चिमनी छोड़ देते हैं, एग्जॉस्ट फैन वहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ वहाँ पे शाफ्ट होती है बट एग्जॉस्ट फैन हमको नहीं देता है। यहाँ पे आपकी लाइक शाफ्ट के साथ इन्होंने एग्जॉस्ट फैन दिया है, प्लस यहाँ पे चिमनी लगा के दे रहे हैं एंड इसकी जो बाकी चीज़ें हैं यानी कि जो इसकी पेंट्री है बहुत ही खूबसूरत है, जैसी होनी चाहिए, यूजुअली जो आजकल होनी चाहिए वैसी ही है। एंड जो बाकी कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ का बहुत खूबसूरत है, आप देख पा रहे हैं
अगेन मैं वही बात बोलूँगा, ज़्यादा कलरों में नहीं खेला है, सिर्फ कुछ ही कलर उठाए हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल रहे हैं, मिसमैच बिल्कुल भी नहीं लग रहा और बहुत ही सूटिंग लग रहे हैं। तो चलिए जैसे आप देख पा रहे थे, हाँ एक और खास बात यहाँ की है, इन्होंने एक पार्टीशन दिया है यहाँ पे, तो अगर वैसे तो इनफ स्टोरेज है, इन्होंने नीचे भी यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे स्टोरेज के लिए स्पेस जगह दी है, जो यहाँ पे जो दी गई है पूरी की पूरी, ये बहुत ही खुली खुली है, बहुत ही बड़ी बड़ी दी गई हैं, देख पा रहे हैं हम जैसे। एंड एक और मेन खास बात ये है, अगर आपको ये व्यवहार कम पड़ जाए ना, वैसे तो नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे और जगह दी गई है, आप इस जगह को भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको स्टोरेज के लिए तो यहाँ कभी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो किचन तो आपकी बहुत ही बेहतरीन बन जाएगी, किचन में आपको जितना चाहे उतनी चीज़ें रख सकते हैं। एक शाफ्ट इन्होंने यहाँ पर दी है इसके सामने, बहुत अच्छी खुली शाफ्ट दी गई है, एंड ये जो शाफ्ट है ना, ये दी गई है एक वॉशरूम के बगल में, तो पूरा ध्यान दिया गया है हर वॉशरूम के पीछे एक शाफ्ट हो, ताकि वॉशरूम के थ्रू एक एग्जॉस्टर लगा सके, और जितनी भी लाइक आपकी होती है ना, ये वॉशरूम के साथ किचन के साथ एक शाफ्ट होनी बहुत ज़रूरी है, हर एक रूम के साथ भी शाफ्ट होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वेंटिलेशन बनी रहे, तो वहाँ पे वो शाफ्ट भी दी गई है, बड़ी शाफ्ट दी गई है। एंड आप देख पा रहे हैं ये वॉशरूम भी उसी तरीके से बनाया गया है जैसे अभी हमने दूसरे रूम का वॉशरूम देखा था, यहाँ पे भी इन्होंने डिजिट दिया है, नहीं मिलता है यूजुअली, यहाँ इन्होंने हर एक बाथरूम में दिया है, तीनों के तीनों वॉशरूम में दिया है। एंड तो चलिए हम चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ, आइए, ये है हमारा बेडरूम नंबर 2। अच्छा अब हमने ना आपको लाइट में तो चीज़ें दिखा दी है, अब आपको दिखाएंगे डिम लाइट में, यानी कि अब हमने जो है ना रिसेज लाइट ऑफ कर दी है, और अब हमने चला दी है सिर्फ और सिर्फ आपकी कोव लाइट। इसका रीज़न ये है, आपको सीलिंग का नज़ारा दिखाने के लिए, ये देखिए कितनी प्यारी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, डबल लेयर जो है ना इसकी, डबल लेयर इसकी सीलिंग डिज़ाइन की गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अगर आपको लाइक घर में बैठे हैं और मूड अच्छा नहीं है ना, तो आप सिर्फ इसकी लाइट जला लीजिए एंड इसे लाइट ऑफ कर लीजिए, आपका दिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका बेडरूम है, ये इसका सामने पैनल है, यहाँ पे इन्होंने मिरर दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, और एक शाफ्ट इन्होंने ना ये दोनों बेडरूम के बीच में दिया है वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए अगेन। एंड अच्छा जो हमने वॉशरूम देखा था ना बाहर, उसकी ना एंट्री इन्होंने डुअल दी है, यानी कि वो बाहर से तो दी है लॉबी के थ्रू, एक उन्होंने दी है यहाँ से बेडरूम से भी, तो मतलब ये जो वॉशरूम है इसका एक्सेस इन्होंने दोनों तरफ से दिया है, इसका इन्होंने एक्सेस जो है ना वो दोनों तरफ से दिया है, बाहर लॉबी से भी एंड इस बेडरूम से भी। तो आपके गेस्ट आते हैं तो वो बाहर से जा सकते हैं, एंड जो इस बेडरूम में रहता है वो उसको यहाँ से यूज़ कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ, ये है हमारा बेडरूम नंबर 3। आप इसकी सीलिंग देखिए, आपको सीलिंग का नज़ारा दिखाने के लिए सीलिंग जो है कितनी सूटिंग लग रही है, कोव लाइट ही ऑन करी है बस, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए स्लाइडर दिया गया है यहाँ पे, वार्डरोब कितनी प्यारी है, स्लाइडिंग वार्डरोब है पूरी। तो ये स्टोरेज तो आपको इनफ है, ठीक है, लाइक अगर आपको अपना क्लोथिंग है, जितनी भी चीज़ें आप इनको डालना चाहते हैं वार्डरोब में, वार्डरोब इनफ है, बहुत बड़ी वार्डरोब दी गई है। एंड अब आपको वॉशरूम दिखाते हैं इसका, ये देखिए इसका वॉशरूम देखिए आप, वॉशरूम देखिए, इसमें भी इन्होंने बॉडी हेड दिया है, एंड बड़े अच्छे वॉशरूम है, खुले वॉशरूम है, इसके अंदर जो आपको कलर कॉम्बिनेशन यूज किया बहुत अच्छा है, चीजें सारी ब्रांडेड है, जैगुआर की फिटिंग है, बॉडी हेड भी जैगुआर का है इसमें, तो चीजें सारी ब्रांडेड लगाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, क्योंकि मेन अट्रैक्टिव पॉइंट ये है ना, ये 200 गज की प्रॉपर्टी है, एंड बजट वाइज ये प्रॉपर्टी बहुत सही है, मैं उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी, और अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप इसको अपना ड्रीम रूम बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी और भी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो है हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हमें रीच आउट कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे से अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे,
ताकि आपका जो घर ढूंढने का काम है ना वो हम आसान कर सके। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी के साथ, एक और ऐसे ही खूबसूरत प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।